डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की सीरीज में हमारा टॉपिक है राइट ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। इसके पहले हमने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के राइट्स का वीडियो बनाया हुआ है और इस सीरीज में यह दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो आज देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली राइट ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के मेनली 7 राइट हैं। कंपेयर टू ट्रांसफरेबल राइट ऑफ भूमिधर, उसके 11 राइट थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके राइट कम होते जाएंगे। काफ़ी सिमिलैरिटी है इनके राइट्स में, तो देखते हैं क्विकली वन बाय वन। सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 में ये बोला गया है कि राइट ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट को जमीन को अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ करने का राइट है। वो एग्रीकल्चर पर्पज और रिलेटेड पर्पज के लिए यूज़ कर सकता है, इसके अलावा और किसी पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकता। जिस तरह से दूसरा पहली कैटेगरी का जो भूमिधर है ट्रांसफरेबल राइट वाला, वो उसको कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर किसी भी पर्पज के लिए यूज़ कर सकता है और इवन वैकेंट भी रख सकता है, लेकिन यहाँ लिमिटेशन है इसके लिए, वो सिर्फ एग्रीकल्चर और रिलेटेड पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी रिलेटेड पर्पज क्या होगा? तो एग्रीकल्चर से संबंधित दूसरा जो भी काम है वो भी रिलेटेड पर्पज में आ जाएगा, जैसे काउ डंग या गोबर को स्टोर करना, जानवरों के चारे को स्टोर करना, पानी का तालाब पोंड छोटा बना करके उसके लिए एग्रीकल्चर का अरेंजमेंट करना, और एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए रहने के लिए छोटा घर या हट बनाना, ये सारे के सारे काम एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पज में काउंट होंगे और इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरा राइट है राइट टू मोर्टगेज। राइट टू मोर्टगेज सेक्शन 92 में बताया गया है। तो हालांकि किसी भी तरह के भूमिधर को सिर्फ सिंपल मोर्टगेज देने का ही राइट है, लेकिन यहाँ पे राइट विद भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट को और थोड़ा रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि वो सिंपल मोर्टगेज विदाउट पजेशन भी अगर मोर्टगेज देता है तो सिर्फ किन किन से वो मोर्टगेज कर सकता है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट से, दूसरा शेड्यूल्ड बैंक से, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और चौथा यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से, और या दूसरा कोई ऐसा एजेंसी है जो गवर्नमेंट ने ओन किया हो या अप्रूव किया हो, सिर्फ इन्हीं से वो मोर्टगेज कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी से मोर्टगेज करेगा तो वो वाइड होगा, और इनके साथ भी जो मोर्टगेज करेगा वो विदाउट पजेशन करेगा। विदाउट पजेशन का मतलब ये है प्रॉपर्टी ओनर के पास में ही रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी भूमिधर के पास में ही रहेगी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या मोर्टगेज को ट्रांसफ़र नहीं होगी। तीसरा है राइट टू लीज। राइट टू लीज दोनों में सेम है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट में भी और भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में भी सेम है। सेक्शन 94 के अकॉर्डिंगली जनरली लीज का राइट नहीं होता है भूमिधर को, सब्जेक्टेड टू सेक्शन 95 एंड 96 में जो डिसेबल्ड पर्सन है, भूमिधर हैं, विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, डिसेबल की कैटेगरी में आते हैं, उनको राइट दिया गया है कि वो एक बार में 3 साल के लिए लीज पे दे सकते हैं। सेक्शन 96 बोलता है कि जो को शेयरर हैं और उनमें से एक शेयर अगर डिसेबल या विकलांग है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के अपने हिस्से को लीज पे एक बार में तीन साल में एक बार के लिए लीज पे एट ए टाइम दे सकता है। ये था राइट टू लीज। राइट टू एक्सचेंज। राइट टू एक्सचेंज सेक्शन 101 में है और सेम है। इसकी अथॉरिटी एसडीओ है। जनरली एसडीओ को अप्लाई करेंगे और वो कंडीशन मीट हो रही होगी सेक्शन 101 की तो वो अलाउ कर देगा, अदरवाइज मेनली ये 2-3 कंडीशन है जिसपे वो डिनाई कर सकता है। अगर एक्सचेंज होने वाली ज़मीन की कॉस्ट में 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है तो एक का सर्किल रेट कुछ और है, दूसरे का सर्किल रेट कुछ और है, और वो सर्किल रेट में 10% का डिफरेंस है तो एसडीओ रिफ्यूज़ कर सकता है। पर्पज़ ये है जिससे, क्योंकि एक्सचेंज में रजिस्ट्री कॉस्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है। और दूसरा है डिफरेंस इन एरिया। अगर एरिया में 25% से ज़्यादा का डिफरेंस है तो भी एसडीओ रिफ्यूज़ कर सकता है। और दूसरे, जो ज़मीन दो जगह की एक्सचेंज होनी है अगर वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर की है या गांव दूर दूर हैं तो भी वो मना कर सकता है। राइट टू सू फॉर डिवीजन।
ये राइट भी इस भूमिधर को दिया हुआ है कि वो अपने हिस्से के बंटवारे के लिए बाद ला सकता है सेक्शन 116 के अकॉर्डिंगली, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जब बाद पे डिक्री आ जाती है तो वो उसका पार्टीशन करवा के उसका हिस्सा उसको पजेशन में दे। अगला है राइट टू सरेंडर। सेक्शन 118 में ये सभी भूमिधर को राइट दिया हुआ है, असामी को भी दिया हुआ है कि वो अपनी ज़मीन का सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने से क्या होगा, ज़मीन जिसके पास से ली थी उसके पास चली जाएगी, और लगान या कुछ रेंट वगैरह बाकी है तो उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी, वो देनी पड़ेगी। तो ये राइट भी अवेलेबल है इस टाइप के भूमिधर के पास में। दूसरा है राइट फॉर नॉन इजेक्टमेंट। तो ये राइट भी सेम है दोनों भूमिधर के लिए सेक्शन 130 में। इस कोड के प्रावधानों के अलावा और किसी भी कारण से भूमिधर को इजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जनरली क्या होता है, जब लैंड रिवेन्यू का एरियर ड्यू हो जाता है और उसके लिए अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी और लीज या सेल होती है, तभी उसका इजेक्टमेंट किया जाएगा। अदरवाइज जनरली और किसी तरीके से भूमिधर का इजेक्टमेंट नहीं किया जा सकता। तो आपने देखे मेनली ये राइट, मेन इसको क्या राइट अवेलेबल नहीं है, इसको ट्रांसफ़र करने का राइट अवेलेबल नहीं है जो भूमिधर भी ट्रांसफरेबल राइट को था, और इसको बिक्वेस्ट गिफ्ट या डोनेशन करने का राइट अवेलेबल नहीं है। आप ये मान के चलिए समरी में इसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का हक नहीं है, बाकी जनरली लेस और मोर सारे के सारे राइट इसको सेम ही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी, अदरवाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।